अब मैं आपको जावास्क्रिप्ट में मैसेज कैसे डिस्प्ले कराया जाता है वो दिखाता हूँ। जावास्क्रिप्ट में तीन फंक्शन है, अलर्ट, कन्फर्म और प्रॉम्प्ट। अब मैं आपको तीनों एक एक करके चला के दिखाता हूँ। तो अब आप कोड विंडो देख सकते हैं। सबसे पहले ऊपर लिखिए स्क्रिप्ट लैंग्वेज इक्वल टू जावास्क्रिप्ट और स्लैश स्क्रिप्ट क्लोजिंग के लिए, और मैसेज डिस्प्ले करने के लिए आपको लिखना होगा अलर्ट ब्रैकेट ओपन क्लोज में डबल कोट में हेलो। इसको सेव करके इसको रन करके देखिए। तो देखिए ऐसे जो आपने ब्रैकेट में लिखा था वो हेलो इधर आ जाएगा और यहाँ पर एक बटन ओके बटन आ जाएगा। जैसे आप ओके करेंगे ये क्लोज हो जाएगा। अगर आप रिफ्रेश करते हैं तो फिर से ये आ जाएगा। तो अलर्ट का काम इतना ही होता है। अलर्ट जैसे मैसेज की ज़रूरत तब पड़ती है जैसे कोई काम कंप्लीट हो जाए, तो मैसेज डिस्प्ले करता है ना सक्सेसफुली डन, इस टाइप का कोई मैसेज डिस्प्ले करवाना हो तो अलर्ट की ज़रूरत होती है। अब इसको कमेंट बना दीजिए। अब ये दूसरा फंक्शन है कन्फर्म। कन्फर्म और अलर्ट एक जैसा ही है, बस फ़र्क इतना है कि अलर्ट में खाली ओके बटन आता है, कन्फर्म में ओके और कैंसिल दो बटन आते हैं। इसको सेव करके इसको रन करके देखिए। तो देखिए डू यू वॉन्ट टू सेव, ओके, कैंसिल। तो अलर्ट और कन्फर्म को आप करीबन एक जैसा है, इसको कमेंट बना दीजिए। अब तीसरे पे आइए। तीसरा है प्रॉम्प्ट। इसको भी इसी तरीके से लिखा जाता है, तीनों को लिखने का तरीका एक ही है। प्रॉम्प्ट क्या करेगा कि यूज़र इनपुट, यूज़र से डेटा लेने के लिए ऑप्शंस देगा। इसको सेव करके रन करके देखिए। तो देखिए जो मैसेज आपने लिखा था हेलो हेलो इधर आ गया, ओके और कैंसिल बटन वैसे ही है जैसे कन्फर्म में था। अब यहाँ पर आप कोई भी मैसेज लिख सकते हैं, जैसे कि आप लिख लीजिए माइक्रोसॉफ्ट, कोई भी मैसेज लिख के आप ओके या कैंसिल कर सकते हैं। तो यूज़र से कोई वैल्यू लेनी हो और कोई कैलकुलेशन करना हो तो ये इसकी ज़रूरत पड़ती है, तो आप प्रॉम्प्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं आपको एक सैम्पल दिखाता हूँ कि जैसे प्रॉम्प्ट में जो कोई वैल्यू डाली जाती है तो उसको आप निकालेंगे कैसे। तो इसको जो प्रॉम्प्ट की जो वैल्यू आएगी उसको एक वेरिएबल में ट्रांसफ़र किया जाए। तो यहाँ पर लिख दीजिए ए इक्वल टू, यानी कि प्रॉम्प्ट में जो भी आदमी यूज़र जो भी वैल्यू टाइप करेगा वो वैल्यू ए में जाके स्टोर हो जाएगी। और डिस्प्ले कराने के लिए आप कोड लिखिए। यहाँ पर मैंने कोड लिख दिया है डॉक्यूमेंट डॉट राइट ब्रैकेट ओपन क्लोज में डबल कोट में यू टाइप्ड एक स्पेस बार देके प्लस ए। प्लस ए यानी कि जो ए में स्टोर्ड है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो इसको रन करके देखिए, रिफ्रेश करिए। जैसे मैं अपना नाम दे देता हूँ अमित, जैसे ओके करता हूँ तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ आता है यू टाइप्ड अमित। तो यूज़र जो भी टाइप करेगा वो वैल्यू को आप वेरिएबल में स्टोर करके स्क्रीन में डिस्प्ले करा सकते हैं।